नमस्कार, मैं नरगिस जहां और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। सेकेंडरी एजुकेशन में ओबरा लक्ष्मी पब्लिक स्कूल ने अपनी खास पहचान बनाई है। यहां के शिक्षक काफ़ी अच्छे और अनुभवी हैं, तो छात्र मेहनती और लगनशील। आइए देखते हैं लक्ष्मी पब्लिक स्कूल से जुड़ी सीतियोग न्यूज की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। आज हम औरंगाबाद बिहार के ओबरा स्थित लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। पिछले माह जिला प्रशासन और सीतियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जहां पर कई स्कूल और कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था और उनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी रही थी, जिसमें से एक हमारा लक्ष्मी पब्लिक स्कूल भी है, जहां के छात्र छात्राओं ने विज्ञान कला प्रदर्शनी में भाग लिया था और इनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी लगी थी। आज हम लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ के छात्र छात्राएँ हमारे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके इन्हें कैसा लगा था और इनका मॉडल क्या था, मॉडल के थ्रू ये क्या दिखाना चाहती थी। क्या नाम हुआ? अंशिका कुमारी। अंशिका, आप साइंस एग्जीबिशन में गई थी, आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाके बहुत सारे न्यू चीज़ देखे, जिससे हमें नॉलेज बढ़ा कि हाँ अब से ऐसा करना चाहिए और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। आपका मॉडल क्या था, आप लोग क्या बनाई थी? हम लोग आर्ट से बनाए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आप लोगों को क्या दिखाना चाहती थी, क्या संदेश देना चाहती थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अर्थी से हम ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ बेटियों को बहुत नीचे स्तर में रखा जाता है और बेटों को बहुत ऊंचा स्तर पर रखा जाता है। यहाँ बेटों को तो पढ़ाया जाता है पर बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। अगर और जब बेटियाँ जन्म लेने वाली रहती है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उन्हें गर्भ में ही गर्भपात करवा दिया जाता है और फिर उसके बाद अगर बाई दबे जन्म भी ले लेती है तो उसे टॉर्चर किया जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। वहीं दूसरे तरफ बेटों को पढ़ाया लिखाया जाता है, अच्छा से सिखाया जाता है, पर बेटियों को ऐसा करने के लिए मौका बहुत कम ही मिलता है। इस मॉडल को बनाने के लिए आपको कौन आइडिया दिया था, आपके दिमाग में कैसे आया था कि ये बनाना मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दिखाना चाहिए लोगों के बीच? ये साइंस एग्जीबिशन के बारे में कृष्णा सर बताए थे और आइडिया भी दिए थे। आपके स्कूल में साइंस और आर्ट को लेकर कैसे पढ़ाया जाता है, टीचर्स आप लोगों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या आइडियाज देते हैं? बहुत अच्छे तरह से देते हैं और हम लोग इंस्पायर भी करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करोगी तो आगे चल के नाम है। हर बच्चा हर चीज़ में तेज नहीं होता है पर हर बच्चा में कुछ अलग टाइप के क्वालिटी रहता है उसको उभारने के लिए। आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान, आप क्या बनाई थी साइंस एग्जीबिशन में? आर्ट। आर्ट आर्ट में क्या बनाई थी, आपका क्या था प्रोजेक्ट, क्या था? माँ और बच्चे से संबंधित। माँ और बच्चे, उसके थ्रू आप क्या दिखाना चाहती थी? माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है, ये आइडिया कौन दिया था, आप खुद से बनाई थी या टीचर्स के हेल्प से? टीचर्स के हेल्प से। आपके स्कूल में आर्ट को लेकर, कला को लेकर कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखलाया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क वर्कशॉप वगैरह करवाया जाता होगा ना? हाँ, ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कृष्णा सर हमें बताते हैं और हम लोग को बहुत ही क्रिएटिव आइडिया बताया जाता है और जो भी आइडिया होता है वही देते हैं बस। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? नाइन्थ में आते आते हम समझ जाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है और आफ्टर टेंथ हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो आप किस सब्जेक्ट को, आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मैं UPSC करना चाहती हूँ। UPSC, थैंक यू। आपका नाम क्या है? आद्या कुमारी। आद्या, आपके स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्रिएटिविटी में भी कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, स्पोर्ट्स में, पेंटिंग्स में, तो उस तरह के चीज़ों के लिए आपके स्कूल में कैसे करवाया जाता है, टीचर्स आप लोगों को कैसे बढ़ावा देते हैं? बहुत अच्छे से देते हैं और कृष्णा सर हम लोग को हेल्प भी करते हैं। साइंस को लेकर लैब वगैरह प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होता है? यस, होता है। हमारे साथ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की शिक्षक हैं और अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि साइंस एग्जीबिशन में सीतियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर इन्हें कैसा लगा था, इनका अनुभव क्या है। नमस्ते मैम। जी, काफ़ी अच्छा लगा था। जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा करते हैं तो हमें काफ़ी प्राउड फील होती है और मैं और भी बच्चे को कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ हमेशा ट्राई करिए पार्टिसिपेट करने की। डू योर बेस्ट वॉट एवर यू हैव। साइंस को लेकर आपके स्कूल में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है? जी, उन्हें स्मार्ट क्लास भी दी जाती है और टीचर भी इवन कोशिश करते हैं कि पूरे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, पूरा टीचर का सपोर्ट दिया। लैब वगैरह की फैसिलिटीज़ कैसे आप लोग बच्चों को कैसे प्रोवाइड करो? जी, लैब वगैरह की फैसिलिटीज़ भी है, बच्चे को प्रैक्टिकल कराई जाती है, सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्कूल में।
तो जो भी फैसिलिटीज है वो दी जाती है बच्चों को। जी मैम, आर्ट को लेकर आपके स्कूल में किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है? मैम जैसे कि आर्ट्स है तो हर बच्चे को सिखाया जाता है कैसे हम लोग को आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, सिखाया जाता है। और हर वीक में मतलब बच्चों को ड्राइंग वगैरह, पढ़ाई के अलावा बच्चे अलग अलग फील्ड में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस तरह के बच्चों को किस तरीके से आप तैयार करती हैं? जैसे हम लोग एक है कि वीक के अंदर में सैटरडे हो गया तो एक जैसे लास्ट लंच के बाद पीरियड वाइज, हाँ लंच के बाद सारे बच्चों एक्टिविटी के जरिए हम लोग सिखाते हैं ताकि बच्चा करे और अच्छा अपना प्रैक्टिस करवाते हैं। टेंथ में जाते जाते बच्चे समझ जाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, तो जो बच्चे आर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस तरीके के बच्चों को आप लोग किस तरीके से तैयार करती हैं? वो 10 बेसिस पे उनकी पढ़ाई होती है, उस फील्ड में जो इंटरेस्टेड होते हैं उस फील्ड में जाती है। हमारे साथ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के विज्ञान के शिक्षक मौजूद हैं। छात्र छात्राओं के साथ इन्होंने भी साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और इनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी रही थी। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो कला प्रदर्शनी सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए था, उसमें हमारे एक विज्ञान के शिक्षक ने भी भाग लिया था। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका अनुभव क्या रहा साइंस एग्जीबिशन को लेकर और इन्होंने क्या कुछ बनाया, क्या कुछ सीखा। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं कृष्णा सर लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में आप सभी का आने के लिए धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग यहां पर एक थीम पर काम करते हैं, क्या कि हर कोई अपना बच्चा जो होता है स्कूल भेजता है पढ़ने के लिए जी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरा निजी बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूँ बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं सिखाने के लिए भेजा जाए। और बस इसी थीम पर मैं काम करता हूँ। जो बच्चे साइंस में पार्टिसिपेट किए थे एग्जीबिशन में, तो वो क्या है, क्या उनके पास कोई थीम नहीं होती है, क्या करना है कैसे करना है पता नहीं चलता है। तो मैं जो मॉडल बना के लेके गया था, मैं उससे ये बच्चों को सिखाना चाहता था क्या कि आप देखो सीखो कि ऐसा भी चीज़ पॉसिबल है। जैसे हम लोग पढ़ें क्या कि सुई से अगर मान लेते हैं क्या किसी गुब्बारे को अगर हीट किया जाए तो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास में साइंस का थोड़ा सा भी जानकारी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनबिलीवेबल चीज़ को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा नीडल पानी को में हम लोग तैरा सकते हैं। और एक बहुत ही खास और आश्चर्य की बात है कि जो ओबरा स्थित तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल है, यहाँ के बच्चे टीचर्स एक अलग ही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इनकी प्रयास जारी है कि बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई के अलावा लेखनी के क्षेत्र में भी वो कैसे आगे बढ़े, और इसके लिए उनको डेली प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और काफ़ी कुछ आपको देखने के भी मिला। ये हमारे साथ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की छात्राएं हैं जिनकी आप पहले की राइटिंग देखेंगे, और फिलहाल जो अब ये प्रैक्टिस के बाद इनकी राइटिंग में सुधार आया है वो भी आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही खास और बहुत बड़ी बात है कि इस दिशा में भी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे।